बुधवार सुबह रेवाड़ी बस स्टैंड के सामने उस समय अवैध वाहन चालकों में हड़कंप मच गया जब वहां से तैनात आरटीए विभाग के अधिकारियों ने इन अवैध वाहनों पर शिकंजा कसते हुए लगभग 48 ऐसे वाहनों के 11,000 के चालान काट सभी वाहनों को रोडवेज वर्कशॉप में खड़ा करवा दिया। आपको बता दें कि पकड़े गए वाहनों में अधिकांश निजी कारें हैं जिनके मालिक दिल्ली, गुरुग्राम और नारनौल के सरकारी कार्यालयों में कार्यरत हैं और ड्यूटी पर आते जाते वक्त रेवाड़ी बस स्टैंड के सामने से अवैध रूप से सवारियां ठोकर सरकार को लाखों के राजस्व का चूना लगा रहे हैं। पकड़े गए वाहनों में किसी का परमिट नहीं था और ना ही भरा हुआ कोई टैक्स पाया गया है। आरटीओ के अनुसार इनमें से कुछ वाहन तो दिल्ली पुलिस, गृह मंत्रालय में काम करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के हैं। परिवहन विभाग के ने लोगों से अपील की है कि वो बिना परमिट के वाहनों को सवारियां ढोने के प्रयोग में ना लाएं, अन्यथा उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई होगी। रेवाड़ी से केएनएन मीडिया के लिए विकास ओल्हान की रिपोर्ट। सर, अभी काफी सारे वाहन जो आरटीओ विभाग ने पकड़े हैं, क्या पूरा मामला है? ये सभी निजी वाहनें थी जो पर्सनल यूज में ले सकते हैं। टैक्सी के तौर पर ये अवैध सवारियां भरा रही थी रेवाड़ी बस स्टैंड के आगे। मैं वहाँ मौके पर मौजूद था और करीब करीब ये गाड़ी, कितनी गाड़ियाँ हैं? 36 वाहनें ऐसी हैं। ये सभी लोग इकट्ठे होकर, कुछ मास्क थे, ये इकट्ठे होकर जाते हैं जो कि अवैध है। ये परमिट की कोई गाड़ियों के पास परमिट नहीं है, न सरकार का टैक्स जमा कराते हैं। ये रोडवेज को सहकारी समितियों का बसी जो हरियाणा सरकार को अनेक प्रकार के टैक्स देती हैं, परमिट का वो उठाती हैं, उनको ये गाड़ियाँ चुना लगाती हैं क्योंकि रोज़ाना काम है इनका। आज मुझे जो है ना जी, कल शाम को मैंने 11 गाड़ियाँ बंद की थी, आज 36 गाड़ियाँ बंद की थी। भविष्य में भी ये ऐसी गाड़ियाँ सवारी ढोती पाई गई, अवैध वाहनें हैं ये जो सवारी नहीं ढो सकती, इनको आगे बंद किया जाएगा। कितना जुर्माना इनसे वसूल पाया गया है अभी तक? एक गाड़ी का इसमें मोटर व्हीकल एक्ट की धाराओं के तहत 11,000 रुपये का एक गाड़ी का जुर्माना है। कहाँ से कहाँ, किस रूट पर ये गाड़ियाँ चल रही थी? ये ज़्यादातर गाड़ी जो है ना जी, नाईवाड़ी से ना उधर से दहिना नारन और टेली से ये लोग जो है गुड़गांव कंपनी में जाते हैं, या कोई एक मास्टर है वो वहाँ पर बैठते हैं। रेवाड़ी बस स्टैंड पर सवारियाँ उतार के इनको पकड़ा गया है और सवारी उतार के वापस ये गुड़गांव और भाड़ा की सवारियाँ, रेवाड़ी की सवारियाँ जो कंपनियों में हैं वहाँ जारी थी, तो उनको सवारियाँ माना जाए कि बिना परमिट के अवैध तौर पर गतिविधियाँ की जा रही थी कॉमर्शियल, इसके अंदर कॉमर्शियल गतिविधियाँ कर नहीं सकते और ये किए जाके पकड़े गए हैं। इनको इसी अपराध में जो है मोटर व्हीकल एक्ट की धाराओं के तहत इनको रोडवेज वर्कशॉप में खड़ा कर दिया। लगातार रोडवेज विभाग भी शिकायत कर रहा था इस बात को लेकर कि अवैध वाहन सड़कों पर नुकसान पहुंचा रहे हैं सरकार को। जी जी, तो आगे क्या कुछ कार्रवाई रहेगी इनको लेकर? आगे भी ऐसी वाहन जो सवारियां ढोएंगी उनको हम पकड़ के इम्पाउंड करेंगे रोडवेज वर्कशॉप में। उन पर आगे से दोबारा से पकड़े जाएंगे तो भारी भरकम को जुर्माना लगाएंगे। इससे बेहतर है, मेरा भी इन सभी लोगों से निवेदन है कि अपना टैक्सी में रजिस्टर कराए, ऑल इंडिया ट्यूर्स में रजिस्टर कराए, उसके बाद ये जो है जी बुकिंग तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। सर, अभी जो एक बात पता चली है कि इनमें अधिकांश वाहन इस तरह के भी बताए गए हैं जो कोई दिल्ली पुलिस का कर्मचारी बताता है अपने आप को, या किसी सरकारी विभाग का, कोई गृह मंत्रालय का कर्मचारी है जो कि इन गाड़ियों को चला रहे हैं और अवैध गतिविधियां भी कर रहे हैं इस तरह की बिना परमिट के। हाँ, एक दो ऐसे मुलाजिम थे जो अपनी ड्यूटी पे जा रहे थे लेकिन वो सवारियां उतारते हुए और पकड़े गए हैं और बैठाते हुए पकड़े गए। कहीं ना कहीं ये माना जाए कि कोई अधिकार नहीं है, किसी सरकारी कर्मचारी को अधिकार नहीं है कि वो अपनी पर्सनल गाड़ी में सवारियां ढोए। माना जाए कि मुलाजिम भी सरकार को ही चूना लगा रहे थे कहीं ना कहीं। हाँ, यही है, वो तो कोई भी व्यक्ति, चाहे आप हैं चाहे मैं हूँ, अपनी पर्सनल गाड़ी में सवारी हम ढो ही नहीं सकते। उसके लिए तो कोई भी व्यक्ति है, कोई कितना ही छोटा या बड़ा है, उसको ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट का जो है ना परमिट लेना पड़ेगा, सरकार को टैक्स देना पड़ेगा, उसके बाद ये गतिविधियाँ कर सकता है। क्या ही रहेगा, बिल्कुल आगे भी जारी रहेगा। प्रधान जी, आरटीए ने काफी सारे जो है व्हीकल यहाँ पर पकड़े हैं, क्या कहेंगे आप? हमारी काफी दिन से मांग थी कि भाई इस प्रकार की कार्रवाई हो और हम तो चाहते हैं कि लगातार डीटीओ ऑफिस ये कार्रवाई करता रहे, क्योंकि इससे अवैध जो संचालन है उस पर रोक लगेगी और उम्मीद करते हैं कि आगे भी इस प्रकार की कार्रवाई जारी रहेगी, क्योंकि काफी दिनों में इन्होंने ये कार्रवाई की है और ये बसों के खिलाफ भी कार्रवाई करें, क्योंकि इतनी 40 गाड़ियां पकड़ी हैं तो बसें भी एक दो जरूर करनी चाहिए थी, बसें कोई नहीं पकड़ेगी। माना जाए कि प्राइवेट बसें भी कहीं ना कहीं बिना परमिट के चूना लगा रही है सरकार, काफी बसें जो है अवैध चल रही है, तो चाहूंगा कि उनके खिलाफ भी कार्रवाई करें। कार्रवाई अभी तक क्यों नहीं हो पा रही, क्या वजह मानते हैं? तो काफी दिन से मांग कर रहे हैं, ये पहली बार इन्होंने कार्रवाई की है, इन्होंने कहा है कि हम आगे जारी रखेंगे अवैध जो वाहन है उनके खिलाफ जो चालानिंग का कार्य करते रहेंगे। तो आज अच्छा जो कार्य किया है, आज जो कार्रवाई है उससे कहीं ना कहीं संतुष्ट है रोडवेज विभाग? नहीं, संतुष्ट तो जब बसें बंद हो जाएंगी, लगातार जारी रहेगी, एक दिन की कार्रवाई से तो ऊंट के मुंह में चीरा वाली बात है, लगातार कार्रवाई जारी रहेगी।